केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी व्यास, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज 24। आइए आज हम बात करते हैं लुटेरे दुल्हन की गैंग की, जो आए दिन लोगों को दुल्हन के नाम पर कैसे लूट रहे हैं। राजगढ़ जिले में लोगों को दुल्हन के नाम पर लूटने का धंधा जोरों से चल रहा है। इस धंधे में कई लोग शामिल रहते हैं। ऐसे में आए दिन गाँव के गरीब लोगों को शादी के चक्कर में फंसा रहे हैं। आपको बता दें कि राजगढ़ जिले के तलेन थाना क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम सीका तुर्कीपुरा निवासी गोविंद पिता भागीरथ विश्वकर्मा के साथ लुटेरी दुल्हन की गैंग द्वारा धोखाधड़ी करते हुए लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान किया है और दुल्हन को भी लेकर चले गए हैं। आपको बता दें कि प्राति गोविंद विश्वकर्मा के समाज में किसी कारण से शादी नहीं हो पा रही थी। इस बीच लगभग 1.5 वर्ष पूर्व ग्राम बनापुरा के कैलाश भगत नामक व्यक्ति महाराष्ट्र के गोदिया बस स्टैंड पर गीताबाई नामक महिला व रघुनाथ सिंह से मुलाकात कराई। 1 लाख रुपए और चांदी सोने के आभूषण देने के बदले गोविंद विश्वकर्मा ने शादी की बात की थी। उसके बाद हमारा आपसी संबंध हो गया और उसके 2 दिन बाद दिनांक 21 जनवरी 2020 को गोविंद की शादी सविता मेहर नामक महिला के शासन के नियम अनुसार नरसिंहगढ़ कोर्ट में 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के साथ हुई थी, जिसके बदले में गीताबाई मेहर को 1 लाख रुपए दिए गए थे और पत्नी सविताबाई को सोना का मंगलसूत्र कीमत 30,000 रुपए, चांदी की पायजब कीमत 20,000 रुपए, मोबाइल वीवो कंपनी का कीमत 10,000 रुपए दी थी। वहीं उस दिन शादी करने के बाद वह घर में रहने लग गए थे और उसके बाद मार्च 2021 को लुटेरी दुल्हन की मां गीताबाई ने 50,000 रुपए की मांग की थी, जो राशि गोविंद ने नहीं दी थी। इधर गीताबाई गोविंद की पत्नी सविता व पुत्र शैलेश को लेकर चली गई। आपको बता दें कि राजगढ़ जिले में ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी है, लेकिन लोग डर के कारण सामने नहीं आ पाते हैं और अगर कोई सामने आ भी जाए तो पुलिस थाने में आवेदन तक ही मामला सिमट कर रह जाता है। मंडावर से प्रजापति की रिपोर्ट। थाना कौन सा लगता है आपका? तलेन। क्या समस्या है आपकी, बताएं? मेरी ये समस्या है सर कि मेरे पिताजी सीधे होने के कारण मेरी शादी नहीं हुई थी। शादी कहाँ पे नहीं हो पाई थी आपकी? इधर समाज में। अच्छा, आपके समाज में। फिर मेरे को एक दिन कैलाश भगत मिला गांव में, बनापुरा का जी, बनापुरा गांव है, वहाँ पे वो आया था तो कि मैं तेरी शादी करा सकता हूँ, एक लड़की है जी। वो मेरे को महाराष्ट्र लेगा गोंदिया, गोंदिया में उनसे मिलवाया था गीताबाई से। गीताबाई से वो वहाँ प्लेटफार्म को बुलवाया था उन दोनों को, सविता को गीताबाई से। वहाँ फिर उनने बोला कि ये लड़की है सविता, ये समझ में आई क्या तो कहाँ आ गई। हमने फिर उनने बोला कि 1 लाख रुपए लगेंगे इसके, 1 लाख रुपए लूंगी। किसने कहा 1 लाख की? गीताबाई। गीताबाई जो आपकी सास बन रही थी जी। फिर मैंने बोला बिल्कुल दूंगा, बराबर दूंगा। वो ले आई, हम आ गए तीनों चार, यहाँ गांव पे रुके एक दिन, दूसरे दिन कोर्ट में नरसिंहगढ़ गए, वहाँ से कोर्ट में शादी की। इसके बाद में अच्छे से रह रहे थे 1.5 वर्ष तक। फिर अभी बाद में वो आई मेरी सास गीताबाई, उनने बोला 50,000 रुपये और चाहिए। हमें इतने पैसे मैंने अभी नहीं है मम्मी, फिर ला के दूंगा, मैं रुको थोड़ा। तो नहीं, मैं तो मेरी लड़की को ले जा रही हूँ, अभी हम आ जाएंगे 2-4 रोज में। मैं इतने में जाके मोबाइल बंद कर लिया और यहाँ से चली गई। अच्छा, फिर अब आई नहीं रहे मतलब? मोबाइल बंद कर लिया और अब फ़ोन लगाया था दूसरे नए नंबर से, तो वो बोल रहे हैं कि मैंने तो उसको राजस्थान में भेज दिया 1.5 लाख में, अब तेरे को ढूंढ सके तो ढूंढ लेगा। भैया, आपके गांव से कौन लेके गए थे इनको? मेरे गांव से बस स्टैंड तक वो अकेली घर से गई थी, फिर वहाँ जो कमल नाम का है राजपूत बामनपुरा का, वो छोड़ के आया था उसको कुरार तक दोनों तीनों। अच्छा, कौन कौन साथ में गए? मेरा वो मोंटी गया लड़का। अच्छा। गीताबाई और सविता जी। और साथ में रकम अगर कुछ थी क्या? रकम ले गई थी मंगलसूत्र है 30,000 रुपए का और 20,000 की पाई जाते और 10,000 का विको का मोबाइल है। अच्छा। और 10,000 रुपए रखे थे वो ले गई, नगद रुपए भी? हाँ, नगद ले गई। चलो, कार्रवाई की मांग करते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ मेरे साथ इंसाफ किया जाए। हाँ, ताकि दो और गरीब लोग नहीं फंसे, लोग जो नाजायज नहीं फंसे जी, ना वो गलती से परेशान हो जाए।